देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं thechopal.com। प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि मोदी पत्रकारों से बातचीत नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन 2019 के पहले दिन पीएम मोदी ने ANI को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू 2019 के चुनावों को लेकर अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जनता के बीच में होंगे। चुनावी साल के पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए पूरे इंटरव्यू का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी लहर की। मोदी लहर के कम होने पर मोदी जी ने क्या कहा? लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांक्षाएं कौन पूरी कर पाएगा, उस विश्वास की होती है। और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है। आज हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी के एस्पिरेशंस बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बात तो ठीक ही है। कल तक जिन लोगों को ये लगता था कि मोदी लहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है, कम से कम अब वो ये तो मानने लगे हैं कि मोदी लहर थी, जो अब कम हो रही है। मोदी लहर कम हो रही है या राहुल गांधी की आंधी आने वाली है, ये तो आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। बहरहाल हम आते हैं इंटरव्यू के दूसरे टॉपिक, GST पर। GST के मुद्दे पर PM ने जो कुछ भी कहा उसे जरा गौर से सुनिएगा। जैसा कि हर बार आरोप लगता है कि GST में जो कुछ भी कमियां या खूबियां हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है, तो ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि GST काउंसिल बैठती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के मुखिया भी सदस्य होते हैं। सबके सहमति के बाद ही टैक्स का रेट तय किया जाता है। ये केंद्र सरकार के अकेले का काम नहीं है। और GST लागू होने में भी सभी दलों की रजामंदी थी, ये भी अकेले का काम नहीं। मिशन श्रीलंका, मिशन कंप्लीटेड। ऑपरेशन म्यांमार, मिशन कंप्लीटेड। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, मिशन कंप्लीटेड। छोटे व्यापारियों को जरूर थोड़ी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में जब ऐसी व्यवस्थाएं लागू होती हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लगातार GST में समीक्षा हो रही है और इसमें जरूरत के हिसाब से सुधार भी किया जा रहा है। PM का इस मुद्दे पर खुद इतना संवेदनशील होना बताता है कि GST से किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। GST की बात चली, फिर बात आई नोटबंदी पर। नोटबंदी पर PM ने क्या कहा? एक ईमानदारी का माहौल बना है। आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बड़ी है, इसको क्या कहेंगे? हमारे देश में करेंसी GDP की तुलना में कम होती जा रही है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीज़ें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की ज़रूरत थी क्या? बात है। ये झटका नहीं है जी। अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियाँ ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, एक साल भर ये प्रक्रिया चली है। बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है। और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम अच्छी नीयत से करते हैं लेकिन नतीजा कुछ का कुछ होता है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ फैसले को लागू करना होता है, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। नोटबंदी के फैसले में भी मुझे लगता है शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन नोटबंदी के फैसले पर शायद ही किसी को कोई शक हो। हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में रहने वाला मुद्दा किसानों का मुद्दा। PM मोदी ने किसानों के मुद्दे पर कहा, चौधरी देवी लाल के ज़माने से ये कर्ज माफ़ी का खेल हो रहा है लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। PM का इस इंटरव्यू में बताया गया फार्मूला अगर लागू होता है तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें बदल सकती हैं, काफ़ी हद तक किसानों की किस्मत बदल सकती है।
किसान को कर्ज होता क्यों है, उसकी समस्याओं का समाधान कर सही कर्ज में हमें यह स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं। इस इंटरव्यू का सबसे चर्चित और सबसे टॉप ट्रेंडिंग मुद्दा रहा है राम मंदिर। अखबारों से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह बहस छिड़ी हुई है कि मोदी ने साफ किया कि अध्यादेश नहीं आ रहा। अगर आपको भी यही खबर दिखाई गई है तो आपको भी गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा इस पर जरा गौर करिए। उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम इस पर अध्यादेश ला सकते हैं। सुनवाई अपने लास्ट स्टेज में है, तो जैसे ही सुनवाई खत्म होगी फैसला आएगा, तो हम इस पर देखेंगे क्या करना है। मैं जो कहता हूं कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तनाशों से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। जैसा SC ST एक्ट और ट्रिपल तलाक के मामले में हुआ था वैसा ही कुछ राम मंदिर के मामले में भी किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ के टाइम पे अध्यादेश लाया था वैसा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ला सकते, तो उसका जवाब भी सिंपल सा है कि सोमनाथ का केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं था। जैसे ही केस संसद के अधिकार क्षेत्र में आएगा अध्यादेश तभी लाया जा सकता है। केस को जल्दी सुलझाने की जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट की भी बनती है। राफेल पे PM का जवाब आ चुका है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, भारत का हर अच्छा सौदा विवादों में आता है। नेहरू के जमाने में जीप घोटाले से लेकर राजीव गांधी के टाइम में बोफोर्स या फिर सोनिया की देखरेख में अगस्ता वेस्टलैंड, हर मामले में भ्रष्टाचार उजागर हुआ, लेकिन कभी किसी PM ने सफाई नहीं दी। शायद ये पहला मौका है जब किसी PM ने आरोपों का इतना खुलकर जवाब दिया हो। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए, ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए। उम्मीद है PM का खुद आगे आकर इंटरव्यू देना, हर मुद्दे पर खुलकर बोलना उनके समर्थकों को नई एनर्जी देगा। वहीं विरोधियों में किसी को ये फिक्स लग रहा है तो किसी को झूठ। समर्थन और विरोध का दौर चलता रहेगा, सब पे नजर बनाए रखिए। हमें PM के इंटरव्यू से जो बातें समझ में आई आसान भाषा में हमने आपको बताया। PM मोदी के इंटरव्यू के 3 पार्ट जो काफ़ी संवेदनशील थे उन पे हमने अलग से स्टोरी बनाई है, जिसका वीडियो हमारे पेज पर आप देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको प्रज्ञा का नोटबंदी पे एक स्पेशल वीडियो, दीपाली का सबरीमाला पे बना स्पेशल वीडियो और मानव का सर्जिकल स्ट्राइक पे स्पेशल वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। देखते रहिए thechopal.com।